हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एग्रोटेक फूड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। जैसे कि हमारी कंपनी की जो है टारगेट वैल्यू को निकालते हैं, वैसे इस कंपनी की भी टारगेट वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराएगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कंपनी के बारे में, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो दी हुई है, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पिछले 5 सालों के शेयर की कीमतों में बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 जुलाई 2018 के समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू 660 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 2023 में यह वैल्यू बढ़ के हुई है 864, और ज़्यादा से ज़्यादा ये गई है 1144 रुपये के आसपास पिछले 5 सालों में, ठीक है। तो 660 से लेके 1144 को देखें तो भाई इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। कंपनी ने 5 सालों में 2 गुना रिटर्न दिया है, जो कि लगभग अच्छा कहा जा सकता है, पर काफ़ी ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अभी यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ, जिसमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने थोड़ा ही सही पर लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। हाँ, मान सकते हैं भाई 2023 में जो है शेयर की वैल्यू में गिरावट हुई है, पर कोई बात नहीं, अभी इसको हम ना गिनते हुए इसको एक प्लस पॉइंट देते भाई, कंपनी ने निवेशकों को अच्छा जो है रिटर्न दिया है। अभी बात आती है अगली इसमें कौन कौन सी चीज़ दी हुई है रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए, कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में जो है कंपनी 827 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम बना रही थी 34 करोड़ की। और अगर 2023 में देखें तो भाई इसमें बढ़ोतरी होकर ये 849 तक ही हुई है। और अगर इसकी नेट इनकम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है नेट इनकम में। नेट इनकम 2019 में 34 करोड़ थी और इसमें 15 करोड़ हो गई, लगभग आधी नेट इनकम जो है कम हो गई है, और रेवेन्यू भाई इसमें भी लगभग सही सही चल रहा है। तो जो है कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, और ये लगभग स्थिर रूप से ही चल रही है फाइनेंशियल के मुताबिक, जो कि भाई एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया है, क्योंकि जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट अभी नहीं बना पा रही है पिछले साल के मुकाबले। आगे दिया हुआ, पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी दोस्तों, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे ये इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कंपनी के ऑफिस हो गए, ब्रांचेस हो गए, ठीक है, उसमें आखिर इन 5 सालों में क्या फेरफार हुए हैं। तो 2019 के टाइम में कंपनी के पास 467 करोड़ की संपत्ति थी, और 2023 में देखे तो भाई ये हुई है 636 करोड़ की। तो लगभग 200 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है कंपनी की संपत्ति में, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी अपनी जो है संपत्ति में निवेश कर रही है, और जो कंपनी के एसेट्स है उनकी वैल्यू में भी समय के साथ बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कंपनी की भी ग्रोथ कुछ ना कुछ बढ़ सकेगी। आगे दिया हुआ, पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है? नहीं, तो यार बिल्कुल दे रही है। कंपनी जो है 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में, 20 में और 19 में, यानी कंपनी जो है लगातार अपने निवेशकों को हर साल डिविडेंड दे रही है, जो कि अच्छा संकेत है। और ये अगर कंपनी कोई लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत करते हैं। अब आगे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो भाई, सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें है 51%। इसमें यानी कंपनी ने खुद के शेयर की 51% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो भाई, म्यूचुअल फंड में 6% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो भाई, इसमें लगभग 4% की होल्डिंग की गई है। इसमें समावेश होता है जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 4% की होल्डिंग काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा भाई लगभग 8% की होल्डिंग की गई है, यानी जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर 30% रहे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं, लगभग 45 से कम, तो वह अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा रहा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा रिपोर्ट में टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, और कंपनी का जो फ्यूचर्स को क्या देखा जा सकता है हमारी ओर से, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर आप कंपनी के निवेशक हो या इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप आराम से इसे बाद में डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम शेयर टारगेट प्राइस की। तो दोस्तों, ये टारगेट वैल्यू होती है वो एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाने वाली काफ़ी सारी रिपोर्ट को अवलोकन करने के बाद एक वैल्यू निकाली जाती है। ये कोई सजेशन नहीं कि भाई आपको शेयर को खरीदना चाहिए या बेच लेना चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है कोई डिसीजन लेने में। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर 2024 की अंदाजित वैल्यू बताएं तो एक्सपर्ट के द्वारा ये वैल्यू बताई जा रही है 1290 से 1340 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 2030 में बात करें तो भाई ये 4650 रुपये से 4950 रुपीज़ के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है।
और अगर 2025 की बात करें, 2025 की अभी जो है वैल्यू अपडेट नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, अभी हम इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो और FAQs दिया हुआ है, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों अगर माइनस प्लस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक माइनस पॉइंट देखने मिला है, यानी ओवरऑल बात करें तो भाई कंपनी में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर साथ साथ में आपको कंपनी के बारे में आने वाले समाचार और कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।